वेलकम है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएन सिंह एकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर किस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। अबगार स्कोर क्या है, अबगार स्टैंडर्ड फॉर, अबगार से क्या अभिप्राय है। राइट आंसर बताएँ क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा आपका। एक्टिविटी पल्स, ग्रीमेस, अपेयरेंस, रेस्पायरेशन। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। एक्टिविटी चेक की जाती है, पल्स रेट चेक की जाती है, ग्रीमेस, अपेयरेंस और रेस्पायरेशन भी चेक की जाती है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अबगार का अभिप्राय है कि एक्टिविटी पल्स, ग्रीमेस, अपेयरेंस और रेस्पायरेशन, यह एक स्कोर है जो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशुओं का किया जाने वाला एक प्रकार का परीक्षण है। इस परीक्षण में शिशु की हृदय गति और अन्य संकेतों की जांच की जाती है कि अतिरिक्त चिकित्सा देखभाल या फिर आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता तो नहीं है बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। कंगारू मदर केयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कंगारू मदर केयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कंगारू मदर केयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। राइट आंसर बताएं क्या होगा, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए यहाँ पे कैन बी डन बाय फादर आल्सो, पिता भी कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इंडिकेटेड फॉर LBW बेबीज, कम भार वाले नवजात शिशु के लिए भी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, अच्छे ढंग से तापमान बनाए रखता है। ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन देख लें, कंगारू मदर केयर पिता भी कर सकता है और कम भार वाले नवजात शिशु के लिए होता है। इस केयर में अर्थात बच्चे के शरीर के तापमान को भी बनाए रखा जाता है। कंगारू मदर केयर अपरिपक्व शिशुओं की देखभाल का एक तरीका है। इस विधि में शिशुओं को आमतौर पर माँ द्वारा त्वचा से त्वचा के संपर्क में ले जाने के लिए शामिल किया जाता है। यह स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कम भार वाले और अपरिपक्व शिशुओं के देखभाल के लिए जिम्मेदार पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, तीन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम कैन कॉज इन अ न्यू बॉर्न बिकॉज ऑफ। राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम कैन कॉज इन न्यू बॉर्न बिकॉज ऑफ। ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम अर्थात आँखों का एक रोग है, इसका नवजात शिशु में कारण क्या कारण हो सकता है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम का मतलब होता है कि जो नवजात शिशु है उसमें गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है, गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख लें, न्यूनेट्रम या न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस को ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम कहते हैं। जो आपका न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है, इसी को ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम कहा जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय आँखों में संक्रमण की स्थिति होती है। आँखों में संक्रमण की स्थिति होती है। यह बीमारी तब होती है जब माता को सिनेरिया गोनेरिया की बीमारी होती है, और इसके उपचार में इरिथ्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन दवाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चार नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न्स कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया। नवजात शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण ज़्यादा संक्रमण का प्रकार है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सेप्टिसीमिया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, सेप्टिसीमिया। एक्सप्लेन देख लें इसका। सेप्टिसीमिया जो एक ऐसा संक्रमण है जो रक्त धारा अर्थात ब्लड स्ट्रीम को संक्रमित करता है, जो ब्लड स्ट्रीम है उसे संक्रमित करता है। यह संक्रमण शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण होता है।
इसमें बच्चों का रंग नीला हो जाता है, इसमें बच्चों का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है और उसके पाचन में भी गड़बड़ी आ जाती है। किसके कारण ये सब दिक्कतें होती हैं? तो सेप्टिसीमिया के कारण। ये सेप्टिसीमिया एक संक्रमण है, ठीक है, जो ये ब्लड ब्लड स्ट्रीम को संक्रमित कर देता है। इसी वजह से जो बच्चा होता है उसका रंग नीला हो जाता है और उसके पाचन में भी गड़बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें, विच पोजिशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन अ शॉक्ड पेशेंट। सदमे में ग्रस्त रोगी को किस शारीरिक अवस्था में लिटाया जाता है? विच पोजिशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन ए शॉक्ड पेशेंट। सदमे से ग्रसित रोगी को किस शारीरिक अवस्था में या पोजिशन पे लिटाया जाता है, रखा जाता है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, ट्रेंडलेनबर्ग अवस्था, जो आपकी ऑप्शन ये है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें इसका। सदमे में ग्रसित या सदमे से ग्रसित व्यक्ति के प्राय ट्रेंडलेनबर्ग अवस्था में रखा जाता है। जो सदमे में ग्रसित व्यक्ति होता है या रोगी है उसे हमेशा ट्रेंडेनबर्ग अवस्था में रखा जाता है, या एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पीठ की तरफ सीधा लेटकर उसके पैर के भाग को सर के भाग की तुलना में 15 से 20 डिग्री ज़्यादा उठा दिया जाता है। 15 से 20 डिग्री ज़्यादा उठा दिया जाता है सर वाले भाग को, उसके पैर वाले भाग को सर के भाग की तुलना में, जो पैर वाला भाग है सर के भाग की तुलना में 15 से 20 डिग्री ज़्यादा उठा दिया जाता है। इस अवस्था का नाम जर्मन सर्जन फ्राइडरिच ने दिया था। जो यह अवस्था है आपकी ट्रेंडेनबर्ग, जो आपकी ट्रेंडेनबर्ग अवस्था है पोजीशन है, इसका जो नाम है जर्मन सर्जन फ्राइडरिच ने दिया था। इसमें क्या कहता है, सर वाले भाग को नहीं उठाया जाता, इसमें पैर वाले भाग को 15 से 20 डिग्री ज़्यादा उठा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका। राइट आंसर बताएं, टी बैंडेजिंग इज यूज्ड टू, टी बैंडेज का प्रयोग करते हैं, टी बैंडेज का प्रयोग कब करते हैं? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। गेस करें, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर तो देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, सपोर्ट द रेक्टल एंड पेरिनियल ड्रेसिंग्स, गुदा तथा गुदा योनिमुख के बीच के भाग की ड्रेसिंग को सपोर्ट देता है। सपोर्ट द रेक्टल एंड पेरिनियल ड्रेसिंग्स। एक्सप्लेन देख लें इसका। जो टी बैंडेज है, बैंडेज कसने का एक तरीका है जो देखने पर अंग्रेजी के शब्द टी की तरह दिखता है। इस प्रकार का बैंडेज मुख्य रूप से मादा जनन अंगों में होने वाले बैंडेज या सर्जरी में किया जाता है। यह गुदा तथा गुदा योनि के बीच के भाग की ड्रेसिंग करने में सहायता करता है या सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें, द रिक्वायर्ड मीडिया फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज इन बॉडीज, शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? राइट आंसर बताएं क्या है। गेस करें ऑप्शन, राइट आंसर बताएं। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, बेसिक, ऑप्शन सी राइट होगा, बेसिक। एक्सप्लेन देख लें इसका। कोशिकाएं हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो आपकी सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कोशिका क्रियाएं हमारे शरीर के सभी ऊर्जा उत्पादन, ऑक्सीजन का उपयोग, कोशा मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, ठीक है, मेटाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म तथा अन्य क्रियाओं में योगदान देती हैं। उसका माध्यम क्षारीय होता है। उसका माध्यम क्या होता है? बेसिक के साथ क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका। राइट आंसर बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉर्मल लेबर, एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है? तो राइट आंसर गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे फिटस इज बॉर्न एट टर्म, समय से शिशु का जन्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे फेटस प्रेजेंट वर्टेक्स, शिशु शिखर दिशा से बाहर निकलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑनसेट एज स्पॉन्टेनियस, प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक तथा सहज होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। एक्सप्लेन देख लें इसका, प्रसव पीड़ा स्त्री के प्रसव के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रसव पीड़ा ही समय से बच्चे के जन्म और शिखर अर्थात सर की तरफ से बच्चे के जन्म का संकेत देता है। प्रसव पीड़ा सहज एवं स्वाभाविक होता है। अगला क्वेश्चन है, नौ नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग कैथेटर आर, मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग कैथेटर और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन बी राइट है, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, गर्म वायु विसंक्रमण प्रयोग करना, गर्म वायु विसंक्रमण का प्रयोग करना। एक्सप्लेन देख लें इसका, कैथेटर को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से गर्म हवा का प्रयोग करते हैं। जो आपका कैथेटर है इसको कीटाणु मुक्त बनाने के लिए गर्म हवा का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक चैम्बर में कैथेटर को रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गर्म हवा को उस चैम्बर से गुजारते हैं, जिसके कारण कैथेटर में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर द कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओरल कैविटी इज, मुख गुहा में पाया जाने वाला सबसे सामान्य सूक्ष्म जीव कौन सा है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। द कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओरल कैविटी इज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, बैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, बैसिलस एसिडोफिलस। बैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस कुल का एक जीवाणु है। जो आपका ये बैसिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस कुल का एक जीवाणु है। यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह लैक्टिक एसिड से शुगर के बनने में मदद करता है, तथा ये सामान्यतः मनुष्य एवं जानवरों के मुंह तथा आहार नली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, सोडियम। ठीक है, स्तन के दूध में सोडियम को छोड़कर अन्य सभी पाए जाते हैं, लैक्टोज, पुफा, लैक्टेल एल्बुमिन। एक्सप्लेन देख लें इसका, स्तन के दूध में सोडियम को छोड़कर अन्य सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं। स्तन के दूध में 3-5% वसा होती है, 0.8% प्रोटीन होती है और 6.9% या 7.2% कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, यानी कि 6.9% कार्बोहाइड्रेट और जो आपकी लैक्टोज होती है वो 7.2% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज एक्सेप्ट, स्कैबीज के उपचार में केवल एक को छोड़कर सभी उपयोग होता है, तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स, मुंह से एंटी हिस्टामिनिक्स। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें, ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स का प्रयोग बुखार एवं कॉमन कोल्ड तथा श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। ओरल हिस्टामिनिक्स का प्रयोग बुखार एवं कॉमन कोल्ड तथा श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के इलाज में किया जाता है, जबकि अन्य सभी का प्रयोग इसके बीच के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मुंह से मुंह में सांस देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है, गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है,
तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 16%। एक्सप्लेन देख लें इसका। ऑक्सीजन को मुंह में रोगी को उपलब्ध कराने में लगभग 16% ऑक्सीजन रोगी के अंदर जाती है। यदि यह ऑक्सीजन प्रवाह के साथ पॉकेट मास्क के माध्यम से दिया जाए तो यह 40% ऑक्सीजन तक बढ़ सकती है। अर्थात रोगी को 16% ही ऑक्सीजन मुंह के द्वारा सांस देने पर पहुंच पाती है।